हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। तो यहाँ पे मैंने कुछ ब्रांड सेलेक्ट किया है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में। फर्स्ट है सैमसंग, सेकंड वर्लपूल एंड थर्ड एलजी। सो आज मैं ये सभी वॉशिंग मशीन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूँ। और इतना ही नहीं, इनके फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे और क्यों ये वॉशिंग मशीन लेना चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं वो वॉशिंग मशीन आपको बताऊँगा जो वॉशिंग मशीन मैंने रिसेंट में खरीदी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वॉशिंग मशीन से। सो गाइस, ये है वर्लपूल की 8 kg की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जिसकी स्पीड है 1450 RPM और ये पावर कंज्यूम करती है 360 वाट। और इसमें आपको 5 वॉशिंग प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। और ये वॉशिंग मशीन बनी है, प्लास्टिक से बनी हुई वॉशिंग मशीन है। अभी मैं आपको इसका मेन एडवांटेज बता देता हूँ। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि ये वॉशिंग मशीन बनी है सर्कुलर साइज में। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसका वॉशिंग टब सर्कुलर साइज़ का वॉशिंग टब है। नॉर्मली सर्कुलर साइज़ का वॉशिंग टब है ये, आपको फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में देखने को मिलता है। पर यह सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपको सिर्फ वर्लपूल ही सर्कुलर साइज़ का टब प्रोवाइड करेगा, और अदर मशीन्स में आपको स्क्वायर साइज के वॉशिंग टब प्रोवाइड किए जाएंगे। बेसिकली ये वॉशिंग टब का एडवांटेज यही है कि अगर आप इसमें छोटे कपड़े धोएंगे तो आपके ये छोटे कपड़े कॉर्नर्स में जैसे नॉर्मली रुक जाते हैं, तो ये वॉशिंग मशीन वो कपड़े कॉर्नर्स में ना रुकते से अच्छे से वॉश होके निकलेंगे। तो यही मेन एडवांटेज है इस मशीन का। तो चलते हैं हम अभी सेकेंड वॉशिंग मशीन की तरफ। और जाने से पहले हम इसके वॉशिंग मशीन के प्राइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वॉशिंग मशीन आपको कॉस्ट करेंगे अराउंड 12,740 रुपीज़। यह आपको मैं नेट पर से दी गई वॉशिंग मशीन की प्राइस बता रहा हूँ, जो आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और पेटीएम मॉल से मिल जाएंगी। तो चलते हैं। सो ये है सैमसंग की 8 kg की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जो आपको 1400 RPM पर की स्पीड प्रोवाइड करती है। और ये आपका 340 वाट का पावर कंज्यूम करेंगी। और ये भी वॉशिंग मशीन प्लास्टिक से बनी हुई वॉशिंग मशीन है। और इसमें लाइन फिल्टर और मैजिक फिल्टर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये मैजिक फिल्टर इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपके जो भी वॉशिंग मशीन में आपके कपड़ों के रेशे या धागे निकल जाते हैं वो इसमें कलेक्ट हो सके। और इतना ही नहीं, तो इस वॉशिंग मशीन में एयर ड्राई टर्बो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जिसकी मदद से आप ये टेक्नोलॉजी बेसिकली ड्रायर में यूज़ की जाती है कपड़े को सुखाने के लिए। और ये आपको जल्द से जल्द आपके कपड़े ड्राई करके देती है 5 ही मिनट में। और ये मशीन आपको कॉस्ट करेगी 12,599 रुपीज़। सो ये है LG की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जो आपको 1000 RPM की स्पीड प्रोवाइड करेंगी और ये पावर कंज्यूम करेंगी 360 वाट। और यह वॉशिंग मशीन प्लास्टिक से बनी हुई वॉशिंग मशीन है। और इसमें रैट अवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है ताकि आपके वॉशिंग मशीन को चूहे डैमेज ना पहुँचा पाए। और इसमें विंड जेट ड्रायर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है ड्रायर में, ताकि आपके कपड़े जल्द से जल्द सूख पाए, ड्राई हो पाए। और ये वॉशिंग मशीन आपको कॉस्ट करती है अराउंड 13,000। सो बेसिकली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जो इसके पहले में वॉशिंग मशीन यूज़ की है, वो वॉशिंग मशीन LG की वॉशिंग मशीन थी। वो 6.2 kg की वॉशिंग मशीन थी और वो वॉशिंग मशीन मुझे 10 सालों तक चली वो वॉशिंग मशीन। बट रिसेंट में उसमें बेल्ट का प्रॉब्लम आ रहा था, उसका बेल्ट उतर जा रहा था। मैंने वो वॉशिंग मशीन रिपेयर करने की भी कोशिश की, पर वो प्रॉब्लम उसमें से जा ही नहीं रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वो वॉशिंग मशीन रिप्लेस कर दूँ नई वॉशिंग मशीन। तो मैं अभी आपको जो मैंने रिसेंट में खरीदी है वो वॉशिंग मशीन दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन दिखा रहा हूँ, जो वॉशिंग मशीन मैंने अपने घर के लिए ली है। इसकी भी वारंटी आती है 5 ईयर्स की, मोटर की वारंटी जो सभी मशीन में आ जाती है। और ये है सैमसंग की वॉशिंग मशीन जो ली है, और ये 8 kg की वॉशिंग मशीन है। और इसमें भी थ्री प्रोग्राम्स आ जाते हैं इसके वॉशिंग के, ये इसके 3 प्रोग्राम्स हैं इसके। और इसका टाइम लिमिट है
15 मिनट्स, एंड ड्रायर ड्रायर टाइम भी इसका दिया है 5 मिनट्स का। और मैं आपको ये अंदर से दिखा देता हूँ, इसका ये रिमूवेबल कवर है जो आप इसको साइड में भी रख सकते हो, ठीक है। और चलो मैं इसको साइड में रख देता। ये वॉशिंग मशीन अंदर से कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। और ये वॉशिंग मशीन मैंने क्यों सिलेक्ट की, जैसे कि मैंने बताया था कि वर्लपूल में वो सर्कुलर शेप की वॉशिंग मशीन आती है, और ये वॉशिंग मशीन रेक्टेंगुलर शेप की है। तो ये शेप की वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि यहाँ पे कपड़े वगैरह रुक जाते हैं, छोटे कपड़े। बट एक्चुअली में मैंने सेम मशीन यूज़ की है LG की, बट मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, 10 सालों तक यूज़ किए पर लगा नहीं कि कुछ कपड़े अटक रहे हैं या फिर अच्छे से वॉश नहीं हो रहे। मुझे उसके रिजल्ट बहुत अच्छे लगे, इसके लिए मैंने यही शेप की वॉशिंग मशीन ली है। मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा इशू है। बट इसमें इसमें एडवांटेज क्या लगता है कि कभी भी हम कपड़े धोते हैं तो वो कपड़े कभी भी रब होना चाहिए सरफेस पे। और अगर वर्लपूल का मशीन देखेंगे हम तो उसकी सरफेस पूरा ये सर्कुलर सरफेस पूरा चिकना सरफेस है, जिससे कपड़े अच्छे से रब नहीं होते हैं। बट ये वॉशिंग में कैसा है कि यहाँ पे ये सरफेस दी है, जो सरफेस पे कपड़े आते हैं तो पूरे रब होते हैं। ये रही वो सरफेस, साइड में भी सरफेस दी है तो ये सरफेस पे पूरा रब होते हैं वो कपड़े, और यहाँ पे भी सरफेस दिया है तो कपड़े अच्छे से धुलते हैं। ये जब भी घूमता है तो वो कपड़े इस पर फोर्सफुली एक्ट होते हैं और ये इससे रब होके निकलते हैं, जिससे वो अच्छी वॉशिंग होती है इसकी। इसीलिए मैंने ये मशीन सिलेक्ट की है। मैं आपको ये मशीन चला के दिखा देता हूँ। ये वॉशिंग मशीन की वर्किंग है, और इसमें भी एयर टर्बो क्विक ड्राइंग सिस्टम आ जाता है, जहाँ से यहाँ से एयर सक की जाती है और वो जाती है इसी ड्रायर में, यहाँ से आके वो इससे यहाँ से अंदर जाती है और यहाँ से ड्रायर में जाती है और ड्रायर से पूरा पानी निकल जाता है। इस मशीन की और एक बात बताना चाहता हूँ मैं, कि जैसे अभी ये रहा तो ये अभी वॉश पे है, वॉश पे रहेगा ना तो ये वाटर आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। और आप अगर ये स्पिन पे डालते हो तो ये वाटर आपका ड्रायर में आएगा, क्यों, और ये कुछ यहाँ से वाटर ड्रायर में आएगा। तो ठीक है, अभी मैं ये बताता हूँ ये क्यों दिया। ये कपड़े धुलते वक्त पानी डालने के लिए ये तो ठीक है, पर ये यहाँ पे क्यों दिया है, तो यहाँ पे अगर हम कपड़े डालते हैं तो वो कपड़े हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल के इसमें डालते हैं, तो वो कपड़ों में कभी भी है ना वो निर्मा के कपड़े रहते हैं, जो सोफ के कपड़े रहते हैं वो हम डायरेक्ट इसमें डाल देते हैं, तो कपड़े में कुछ सोफ लगा रहता है, तो इसके लिए ये वाटर यहाँ से उस पर इंसर्ट किया जाता है या डाला जाता है, जो कि उसका पूरा सोफ वगैरह कपड़ों का निकल जाए और वो यहाँ से बाहर निकल वो पूरा सोफ बाहर निकल जाए, इसके लिए ये दिया है। तो आप जब भी कपड़े सुखाने जाएंगे तो ये थोड़ा वाटर इसमें डालना पड़ेगा आपको, थोड़े से कुछ सेकंड के लिए ये वाटर का नॉब आपको ऑन करना पड़ेगा, जिससे वाटर इसमें गिरेगा और वो वाटर पूरा सोप ले बाहर निकाल देगा आपके कपड़े, और आपके कपड़े अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। तो ये था मेरे मशीन का रिव्यू।